नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन का सफर करने वालों को जल्द राहत देने की तैयारी है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने बुधवार को संकेत दिए कि जिस किसी यात्री को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, उसे 2 से 3 दिनों के अंदर उपनगरीय ट्रेन सेवा में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने राज्य कैबिनेट की बैठक में जानकारी देते हुए कहा, मुंबई लोकल ट्रेन और BEST बसों को पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवा चुके व्यक्तियों के लिए खोलने को लेकर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। शेख ने कहा, मुझे लगता है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, उन्हें मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी सूचित किया जा चुका है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 2 से 3 दिन में मुंबई लोकल को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर पिछले 4 महीनों से लगाए गए प्रतिबंध में अब ढील की जाने लगी है। जल्द ही मुंबई लोकल पर भी फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाले लोकल ट्रेन अभी बंद है। अभी लोकल ट्रेन में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ही सफर करने की इजाजत है। आम लोगों के लिए लोकल में सफर करने को लेकर 2 से 3 दिन में फैसला हो सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बृहस्पतिवार को विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा महाराष्ट्र के लिए घोषित बाढ़ राहत पैकेज को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वाली महाविकास अघाड़ी MVA सरकार में शामिल राकंपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने एक बयान में यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने 701 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन यह महाराष्ट्र में 2020 में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि केंद्र ने लगभग 1 साल बाद राहत राशि दी है। हालांकि भाजपा लोगों को यह कहकर गुमराह कर रही है कि सहायता उन लोगों के लिए है जो पिछले सप्ताह बाढ़ से प्रभावित हुए। तापसे ने कहा कि इसका मतलब है कि 37 करोड़ रुपए की राहत राशि में से केंद्र सरकार ने 701 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अब तक प्रभावित लोगों के लिए किसी सहायता की घोषणा नहीं की है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते कॉलेज स्कूल बंद है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल के फीस में 15% की कटौती करने का फैसला लिया है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षो गायक कावर ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, महाराष्ट्र कैबिनेट ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए आज स्कूल की फीस में 15% की कमी करने का फैसला किया। फिलहाल अभी इस फैसले के बारे में किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में जल्दी विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए लिया है। CBI ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय से कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रही, जबकि उच्च न्यायालय के एक आदेश में कहा गया था कि CBI पुलिस तबादला और पदस्थापन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकती है। CBI की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति SS सिंधे और न्यायमूर्ति NJ जमादार की खंडपीठ से कहा कि एजेंसी ने राज्य खुफिया विभाग को पत्र लिखकर पुलिस तबादला एवं पदस्थापन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला के एक पत्र से जुड़ा ब्यौरा मांगा था। उन्होंने कहा, हालांकि 27 जुलाई को सहायक पुलिस आयुक्त नितिन यादव ने CBI को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने दस्तावेज सौंपने से इनकार करते हुए कहा कि वे अन्य जांच का हिस्सा हैं। हमारी शिकायत यह है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही। उच्च न्यायालय ने कहा कि CBI से मुद्दे को उठाते हुए एक अर्जी दायर कर सकती है और अदालत उस पर दलीलें सुनेगी। CBI ने इस साल 21 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की थी। भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग को लेकर उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था।
महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल की अचानक तबीयत खराब होने से बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के दौरान पाटिल की तबीयत अचानक खराब हो गई और इसके बीच में उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक पाटिल फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और इमरजेंसी वार्ड में उनके टेस्ट किए जा रहे। फिलहाल उनकी सीटी स्कैन और 2D इको रिपोर्ट पेंडिंग है। टेपो ने बताया कि जरूरत पड़ी तो कल सुबह पाटिल की एंजियोग्राफी की जाएगी। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल बुधवार को हो रही राज्य की कैबिनेट में शामिल हो रहे थे, लेकिन अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पाटिल के साथ इस दौरान 4 अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। अस्पताल पहुंचने के बाद पाटिल को तुरंत इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया, जहां उनके सभी जरूरी टेस्ट किए गए। पाटिल की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज रात फिलहाल वह अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे। इसके बाद सुबह उनकी तबीयत को देखते हुए एंजियोग्राफी की जाएगी। जयंत पाटिल ने हाल ही में पश्चिम महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। पाटिल राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ शांगली कोल्हापुर के दौरे पर गए थे। इसके बाद उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हालात की पूरी जानकारी दी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह और 7 अन्य के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस थाने में दर्ज वसूली के मामले तथा अपराध शाखा में दर्ज एक अन्य मामले में जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल सिट का गठन किया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने 25 जुलाई को SIT गठित करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि SIT में 7 सदस्य होंगे और इसकी अगुवाई पुलिस उपायुक्त निमित गोयल करेंगे, जो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं। गोयल निगरानी अधिकारी होंगे और देवनार के सहायक पुलिस आयुक्त MS मुजावर मामले में जांच अधिकारी होंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना होने के बाद एंटीबॉडी कॉकटेल की दवा दी गई थी। इस कॉकटेल दवा को कोरोना के इलाज में रामबाण की तरह माना जाता है। इस साल मई के महीने में भारत में भी कोरोना के इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी दी गई। इसकी एक डोज की कीमत करीब 60,000 रुपए है। महंगे होने के बावजूद इस दवा की महाराष्ट्र में भारी डिमांड, और वह भी छोटे शहरों में। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कोरोना की इस कॉकटेल दवा का इस्तेमाल इन दिनों महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में अकजूल और कोल्हापुर जिले में जयसिंहपुर में जमकर किया जा रहा है। यह 20 जून से ये दवा मिल रही है। ये 2 दवाओं का मिश्रण है, जिसमें कैसरी वीमेन और इमडे वीमैब शामिल है। ये कॉकटेल कोरोना के गंभीर मरीजों को दिया जाता है, आमतौर पर ऐसे मरीज जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और फिर रिपु सदन कुंद्रा पर अब सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने एक्शन लिया है। सेबी ने राज कुंद्रा की कंपनी व्यान इंडस्ट्रीज पर भी एक्शन लिया है। सेबी ने प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के तहत इन दोनों के साथ साथ शिल्पा शेट्टी पर भी कार्रवाई की है। शेयर मार्केट के रेगुलेशन करने वाले संस्था ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और व्यान इंडस्ट्रीज तीनों पर कुल 3 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। सेबी ने तीनों को पेनाल्टी चुकाने के लिए 45 दिनों का समय दिया है। प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट की जानकारी देने में देरी करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। यह मामला 2015 का है, जब शिल्पा शेट्टी वियान कंपनी की मालिक थी। 2022 में शिल्पा शेट्टी ने कंपनी से रिजाइन कर दिया था। राज कुंद्रा और शिल्पा पर आरोप है कि उन्हें अपनी कंपनी की बहुत गोपनीय जानकारी बाहर दी है। इन पर अपनी कंपनी व्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के दाम में हेरफेर का भी आरोप है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 11 शव, वर्धा और अकोला में 2-2 शव मिलने से के साथ वर्षा जनित घटनाओं में मृतकों की संख्या 164 हो गई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सांगली जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और कहा कि 1-2 दिन में आर्थिक राहत देने पर फैसला किया जाएगा। सरकार ने मुंबई में एक बयान में कहा कि 100 लोग अब भी लापता हैं और अब 2,29,074 लोगों को बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
एक अधिकारी ने कहा कि तटीय कोंकण क्षेत्र में स्थित सबसे ज्यादा प्रभावित जिले रायगढ़ के प्रशासन ने सोमवार को तलिए गांव में 21 लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान बंद कर दिया। पिछले हफ्ते भारी बारिश के बाद भीषण भूस्खलन हुआ था। महाराष्ट्र में सत्ताधारी एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे ने गुरुवार को विपक्षी पार्टी बीजेपी पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा महाराष्ट्र के लिए घोषित बाढ़ राहत पैकेज को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। महेश तापसे ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री जिन 701 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की बात कर रहे हैं वह बेक ढोंग है। असल में यह राशि साल 2020 में आई बाढ़ के लिए दी गई थी। इसका साफ मतलब है कि केंद्र ने लगभग एक साल बाद राहत राशि दी है, जबकि बीजेपी लगातार लोगों को यह कह रहा है कि गुमराह कर रही है कि यह आर्थिक मदद उन लोगों के लिए है जो पिछले सप्ताह बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तापसे ने कहा कि इसका मतलब है कि कुल 37 करोड़ रुपए की राहत राशि में से केंद्र सरकार ने 701 करोड़ रुपए ही मंजूरी किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अब तक प्रभावित लोगों के लिए किसी सहायता की घोषणा नहीं की है। राज्य में पिछले सप्ताह हुई बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है।